हे गाइस वेलकम बैक टू द चैनल और आज हम बात करने वाले हैं फेसबुक एड कैंपेन को रन करके आप किस तरीके से आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट पे ट्रैफिक को ड्राइव कर सकते हैं। ये होगा पार्ट नंबर 3 क्योंकि इससे पहले हम दो वीडियोस पर डिस्कस कर चुके हैं बेसिकली फेसबुक एड कैंपेन होता क्या है, किस तरीके से इसको यूज करके हम हमारी साइट पर ड्राइव कर सकते हैं ट्रैफिक, क्या एडवांटेजेस है और किस तरीके से आपको इसको रन करना है। सेकंड पार्ट में हमने डिस्कस किया था बेसिक फंक्शंस फेसबुक एड कैंपेन के अंदर, कौन कौन से कैटेगरीज होती है, किसका मीनिंग क्या होता है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव किसी साइट पर ट्रैफिक लाना है तो आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है और कौन सा नहीं करना है। तो अगर आपने वो दो वीडियोस मिस किए हैं तो डेफिनेटली आई वुड रिकमेंड कि आप जाइए उन दोनों वीडियोस को देखिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा डेस्कटॉप पे कि एग्जैक्टली वो दो वीडियोस कौन से हैं। आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा अगर आप ब्लॉगर हैं, चाहते हैं आपकी वेबसाइट पे ट्रैफिक को ड्राइव करना, अगर चाहते हैं गूगल एडसेंस के थ्रू एक पैसिव इनकम जनरेट करना, तो यहाँ पर इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम बहुत सारे ऐसा ही ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड, यूट्यूब वीडियो से रिलेटेड और एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, मोस्ट प्रोबेबली ब्लॉगिंग और एसईओ से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप नए हैं, सीखना चाहते हैं ब्लॉगिंग, ब्लॉगिंग की प्लेलिस्ट को सर्च कीजिए और हमारे साथ इस चैनल पे जुड़ जाइए। चलिए गाइज विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं हमारे उस टॉपिक पे जहां पर आज हम प्रैक्टिकली क्रिएट करने वाला है एड कैंपेन, किस तरीके से आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है, किसका क्या मीनिंग होता है, सारा स्टेप बाय स्टेप विदाउट वेस्टिंग टाइम। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन बने रहिएगा अंत तक क्योंकि यहां पर सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू द डेस्कटॉप स्क्रीन, लेकिन इससे पहले आपको करना होगा, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब के बटन को क्लिक और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा, जिससे आपको चैनल पे आने वाले हर वीडियो की इंस्टेंट अपडेट सबसे पहले मिल जाएगी। हेलो गाइस, सो हम लोग डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं और अगर आप नए हैं तो डेफिनेटली इन दो वीडियोस को देखिए क्योंकि यहाँ पे हमने डिस्कस किया था फेसबुक एड कैंपेन होता क्या है और उसके बेसिक्स क्या हैं, और आज हम डेफिनेटली क्रिएट करने वाले हैं फेसबुक एड कैंपेन के बारे में जो कि एक क्विक प्रोसेस होगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं सीधा हम फेसबुक एड मैनेजर पे जहां पर हमने पिछले वीडियो में ड्रॉप किया था। गाइस यहां पे आने के बाद आपको एक काम करना है और वो जो इंपॉर्टेंट काम है वो होता है पिक्सल्स। तो बेसिकली आप यहां पे पिक्सल्स को टाइप करें, पिक्सल्स को टाइप करने के बाद में एक विंडो क्रिएट होगी और यहां पर देखिए मैंने ऑलरेडी पिक्सल्स जनरेट कर चुका हूं, लेकिन आपके केस के अंदर एक ऑप्शन आएगा क्रिएट पिक्सल्स, आप बेसिकली उस पर क्लिक कीजिए, या आपकी वेबसाइट का नाम मांगेगा, वो वेबसाइट का नाम प्रोवाइड कीजिए और वहां से एक फाइल होगी जिसको आपको डाउनलोड करना है और आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, वहां पर इंस्टॉल प्लगइन के अंदर उसको एज ए इंस्टॉल कर देना है। जैसा ही आप ये करते हैं डेफिनेटली वापस यहां पे आइए, उसको वेरीफाई कीजिए, तो आपकी साइट का जो पिक्सल है फेसबुक के साथ कनेक्ट हो जाएगा, मतलब कि साइट पे आने वाले हर ट्रैफिक को फेसबुक ट्रेस करता रहेगा, जिससे कि आप एड चलाते हैं तो फेसबुक को ज्यादा आइडिया रहेगा कि आपकी साइट पे किस तरीके के ऑडियंसेस आते हैं, तो वो उन्हीं को आपकी एड प्लेस करेगा और उससे ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन होगा, कम पैसों में आपका ऐड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगा। इसका डिटेल वीडियो हम बाद में बनाएंगे लेकिन ये एक बेसिक आइडिया है जो आपको पहले करना होगा ऐड कैंपेन क्रिएट करने से पहले। चलिए चलते हैं फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर। बेसिकली जैसे ही फेसबुक ऐड मैनेजर के अंदर जाते हैं आपको यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन आएगा, जैसे उसको आप क्रिएट करते हैं आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे जहां से आपको चूज करना है आपका ऑब्जेक्टिव। जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है ट्रैफिक जनरेट करना, जिसको लेकर के हमने प्रीवियसली वीडियो में डिस्कस किया था, आपको सिंपली ट्रैफिक पे क्लिक करना है, स्लो डाउन में आना है, यहाँ पर आपके कैंपेन का नाम दे सकते हैं आपको, जैसा कि मेरा कैंपेन का नाम है वेबसाइट ट्रैफिक और मेरी वेबसाइट जैसा कि मिस्टर व्यास आइडिया, तो मैंने नाम दे दिया मिस्टर व्यास आइडिया डॉट कॉम पे मैं ट्रैफिक लाना चाहता हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना है, सिंपली कंटिन्यू करना है, एक नई विंडो पे आ जाएगा। देखिए आपने कैंपेन क्रिएट कर दिया, उसी कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट्स हो सकते हैं, मतलब कि क्या, मैंने मेरी वेबसाइट मिस्टर व्यास आइडिया पे ट्रैफिक मुझे जो लाना है ये कैंपेन मुझे चलाना है, मान लीजिए कि मुझे चलाना है US, UK और UAE, क्योंकि यहाँ पे CPC ज़्यादा होता है, तो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से मुझे ट्रैफिक आए ताकि स्लो कम ट्रैफिक आए लेकिन अच्छा रेवेन्यू जनरेट हो सके। तो ये यहाँ से मेरा एडसेट जनरेट हो चुका है, मतलब कि मैंने एक एडसेट क्रिएट कर लिया। अभी इसी कैंपेन के अंदर आप दूसरा एडसेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे ट्रैफिक लाना है इंडिया से, मतलब कि एशियन कंट्री से, ये आप चूज़ कर सकते हैं। यहाँ ट्रैफिक के अंदर आपको वेबसाइट ही रखना है और देखिए आप पोटेंशियल रीच आप देख पा रहे हैं कि ये मैक्स टू मैक्स इतने लोगों तक ये पहुँचने की प्रॉबिलिटी है। अभी हमने कोई सिलेक्शन नहीं किए हैं, हम ऑडियंस को नैरो डाउन करेंगे जिससे कि कम से कम पैसों में हमारा जो ऐड है वो मोस्टली लोगों तक पहुंच सके। सीधा आप यहाँ पे आइए, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, अगर आपका इंटेंशन US और UK और यूनाइटेड स्टेट्स हमें UAE से हैं तो आपको यहाँ पे कंट्रीज चूज करनी है, यूनाइटेड स्टेट्स जैसे मैं चूज़ करता हूँ, यहाँ पे ऑप्शन आता है, मैंने चूज़ कर लिया। ओके अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो फिगर्स है वो आपको चेंज होते हुए दिखेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स मैंने चूज़ किया है, अभी मैं दूसरी कंट्री लेता हूँ यूनाइटेड किंगडम। सो बेसिकली यहाँ से मैंने यूनाइटेड किंगडम को चूज़ किया है और तीसरी जो मैं लेता हूँ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और लेट्स सी यहाँ से जो हमें डेटा आता है
ओके, यहाँ से हम चेक करेंगे यूएई और अच्छी यहाँ से क्या डेटा आता है हमें, चलिए छोड़ देते हैं ये कंट्री को। और लेट्स से इस तरीके से आपको जो भी आपका टारगेट है, कंट्री टारगेट, आप यहां से फिक्स कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहां सर आपको एजेस आपको डिफाइन करनी है। मान लीजिए कि आप कोई ब्लॉगिंग से रिलेटेड वेबसाइट चला रहे हैं, जो कि स्पेशली रीच आप चाहते हैं, होस्टिंग से रिलेटेड आप चाहते हैं कि मेरी होस्टिंग है उसको मुझे प्रमोट करना, उस वाले पोस्ट को प्रमोट करना, तो आपको पता है कि एक्जैक्टली ऑडियंस कहाँ से कहाँ आती है। कोई ब्लॉगिंग शुरू करता है तो डेफिनेटली उसकी जो एवरेज एज होती है वो होती है अराउंड 20 इयर्स या 21 इयर्स, तो मैंने 21 चूज़ किया है। और इसके बाद में ज़्यादा से ज़्यादा कोई ब्लॉगिंग की शुरुआत करता है होस्टिंग सर्विसेज से रिलेटेड, आप रख सकते हैं 45 या 50, जो भी आप चाहें। देखिए यहाँ पर जैसे आपने एड सेलेक्ट किया तो यहाँ पे पोटेंशियल रीच जो है वो कम होता हुआ नज़र आया, मतलब कि पहले क्या था सब लोगों तक दिखाता था, लेकिन अब ये सिर्फ लिमिटेड लोगों तक दिखाएगा जो कि रियली इसी एज ग्रुप के अंदर आते हैं। मैन और वुमेन आप चूज़ कर सकते हैं, अगर आपका पोस्ट जो है वो इंग्लिश में है तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं इंग्लिश ऑल। बेसिकली जो भी इंग्लिश के यूज़र्स हैं, रीडर्स हैं फेसबुक पे, जिन्होंने इंग्लिश चूज़ कर रखा है उन लोगों तक ये पहुँचेगा, क्योंकि यूएस यूके के अंदर मोस्टली लोग होते हैं इंग्लिश वाले। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अराउंड 15 मिलियन तक का डेटा अभी भी हमारे पास है, इसको और नैरो डाउन हम करेंगे। बेसिकली यहाँ पे लैंग्वेज हम चूज़ कर सकते हैं और ये आपका मेन फोकस होगा डिटेल टारगेटिंग, यहाँ पे आपको नैरो डाउन करना है। देखिए सबसे पहला आप क्या है, अगर आप होस्टिंग से रिलेटेड पोस्ट अगर आप लोगों तक पहुँचना चाहते हो तो आप यहाँ चूज़ कर सकते हैं कि वो लोग जो होस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। मैंने होस्टिंग रखा तो होस्टिंग में आप समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे वेब होस्टिंग, क्लाउड होस्टिंग, वीडियो होस्टिंग अलग अलग, तो हम करने वाले हैं वेब होस्टिंग के बारे में। ओके, सो बेसिकली वेबसाइट के होस्टिंग सेंटर देख पा रहे हैं कितना नैरो डाउन हो चुका है, वो लोग 760,000 पीपल है यूएस और यूके के अंदर जो वेब होस्टिंग से रिलेटेड किसी एड पे क्लिक करते हैं और उसमें इंटरेस्टेड है। देखिए आपका ऑडियंस नैरो डाउन हो रहा है, अगर इसमें अगर आप और नैरो डाउन करना चाहते हैं, जैसे कि कोई भी जो ब्लू होस्ट के ऐड को देख रहा हो तो आप उसको और देखेंगे तो यहाँ पे और नैरो डाउन होता जाएगा। सो आप देख पा रहे हैं इट इज़ अराउंड 8,20,000 जो लोग ब्लू होस्ट में भी इंटरेस्टेड है और वेब होस्टिंग में भी इंटरेस्टेड हैं। अगर आप देख सकते हैं कि जो लोग होस्ट गेटर में इंटरेस्टेड हैं ऐसे कितने लोग हैं, तो आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ अलग अलग आप चॉइसेस क्रिएट कर रहे हैं, मतलब कि ऐसे लोग जो ब्लू होस्ट के वेब पेज पे भी क्लिक करते हैं, होस्ट गेटर पे भी क्लिक करते हैं, वेब होस्टिंग पे भी क्लिक करते हैं, ऐसे ऐसे लोगों तक मेरे ऐड को पहुँचाओ, तो इस तरीके से आप नैरो डाउन यहाँ पे कर सकते हैं। और भी जितनी भी होस्टिंग सर्विसेज हैं, जैसे कि अभी हमने देखा था क्लाउड होस्टिंग, तो ये भी एक हमारा एक पार्ट है कि क्लाउड होस्टिंग। सो बेसिकली यहाँ पे मैंने क्लाउड होस्टिंग चूज़ किया, यहाँ पे देखिए ऑडियंस धीरे धीरे बढ़ रही है, लेकिन ये वही ऑडियंस है, ये उन्हीं लोगों तक दिखाएगा जो लोग होस्टिंग में इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपने यहाँ पे नैरो डाउन किया है आपके होस्टिंग्स को। अभी साथ ही साथ आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये तो आपने चूज़ कर लिया, अभी इसी में भी अगर स्पेसिफिक आप कोई नैरो डाउन करना चाहते हैं और ऑडियंस को कम करना चाहते हैं, जैसे कि कौन, जैसे कि जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, जो ऐसे लोग जो ब्लॉगिंग करते हैं, मतलब कि जो होस्टिंग तो चाहते हैं ये होस्टिंग में भी वो लोग जो ब्लॉगिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ 1000 पीपल ही है जो इस तरीके की कॉम्बिनेशन सेट करते हैं कि जो ब्लॉगिंग स्पेसिफिक ग्रुप से ज्वाइन है, या फिर जिनका एम्प्लॉय ग्रुप उन्होंने ब्लॉगिंग करके रखा है, या फिर जो होस्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो ऐसे लोग सिर्फ ये हो गए। तो लेकिन आपको ध्यान रखना है कि एटलीस्ट नैरो डाउन मत करें, ब्रॉडर ऑडियंस रखें, क्योंकि रीज़न क्या हो जाता है, ज़्यादा नैरो डाउन करेंगे तो आपका स्पेसिफिक प्रोडक्ट होना चाहिए, जैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं तो उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, अदरवाइज आप यहाँ पे कोई भी उसकी चॉइस जो भी आपके उस प्रोडक्ट से रिलेटेड है वो आप दे सकते हैं। और मान लीजिए कि मेरे इतना इनपुट देने के बाद में आप देख पा रहे हैं अराउंड 30 लाख पीपल तक पहुँचने की प्रॉबिलिटी है, मतलब इतने लोग हैं जहाँ तक ये पहुँच सकता है। तो यहाँ पर एक एस्टिमेट दिखा रहा है, और ये एस्टिमेट ये दिखा रहा है कि जो भी आप बजट देंगे उस बजट के अंदर आपको अराउंड 3000 से 14000 लोगों तक ये पहुंचेगा, जिसमें से 50 से 285 लोग ऐसे हैं जो आपके ऐड पे क्लिक कर सकते हैं। ये एक एस्टिमेटेड फिगर होता है जो बाद में चेंज भी हो सकता है। तो बेसिकली ये फिगर हो गया जहां से आपको पूरी नैरो डाउन ऑडियंस करना है, आप जो चाहे जो इंटरेस्ट आए यहां पे आप दे सकते हैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, या फिर होस्टगेटर हो गया, ब्लू होस्ट हो गया, वेब होस्टिंग हो गया, और मान लीजिए कि आप रीसेलर क्लब की होस्टिंग सेल करना चाहते हैं, तो आप रीसेलर अगर कोई होगा तो आपको सजेशन आता रहेगा, और यहाँ पे जो सजेशन आता है उसको आप यहाँ पे ऐड करते जाते हैं। तो ये आपका मेन टारगेट होगा, जहाँ पर जो ऑडियंस जिसको आपको ब्लॉग पोस्ट दिखाना है वहाँ पर आप दिखा सकते हैं। अब बेसिकली ये होने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, यहाँ पर आपको ऐड कनेक्शन टाइप इसको आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे जो ऑप्शंस होते हैं उसमें आपको कुछ भी चूज़ नहीं करना है। इसके बाद बात आती है इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्लेसमेंट्स होता है, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट्स आप कभी मत कीजिए, यहाँ पे आपको क्लिक करना है एडिट प्लेसमेंट पे। एडिट प्लेसमेंट पे क्लिक करने के बाद में देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, यहाँ पर पहला आता है ऑल डिवाइसेस मोबाइल और डेस्कटॉप। देखिए अगर आपको लो सीपीसी पे काम करना है तो आपको डेफिनेटली सिर्फ आपके ऐड को मोबाइल पर डिस्प्ले कराना होगा, अगर आप हाई सीपीसी
अगर देना चाहता है आपके ऐड पे क्लिक करने पर अगर फेसबुक आपकी डिडक्शन ज़्यादा करेगा, ज़्यादा ऑप्टिमाइज नहीं होगा अगर आप डेस्कटॉप चूज़ करते हैं, तो मैं रिकमेंड करता हूँ क्योंकि मोस्टली यूज़र्स होते हैं वो मोबाइल यूज़र्स होते हैं जिनके थ्रू आपके ऐड पे क्लिक करने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो आप डेस्कटॉप को हटा दीजिए और मोबाइल के अंदर बहुत ही लो CPC के अंदर आपको ऐड मिल जाता है, मतलब कि आपको ज़्यादा पैसा देना नहीं पड़ता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। तो बेसिकली आप मोबाइल चूज़ कीजिए क्योंकि मोबाइल का डेटा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहता है, तो वहाँ पर आपको कम चार्जेस होते हैं। अभी यहाँ पर होने के बाद में आपको जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो होता है कि कहाँ कहाँ पे आपको दिखना है। देखिए डिफ़ॉल्ट ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे सेलेक्टेड मिलेंगे, आपको क्या करना है ये सारा अनसेलेक्ट कर देना है, ये सब कुछ अनसेलेक्ट कर देना है यहाँ पे, और ये इंस्टाग्राम को भी हटा देना है क्योंकि हमारा फोकस सिर्फ फेसबुक से है। तो क्योंकि आप अगर जगह जगह पे करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक आने के चांसेस कम है तो उस केस के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, तो क्वाइट बेटर ये सारे ऑप्शंस आप हटा दें, सिर्फ और सिर्फ रखें फीड में। सो बेसिकली जो भी फीड का ऑप्शंस होगा वहीं पर आपका ट्रैफिक दिखेगा। सो यही फीड आपको सेलेक्ट करना है। देखिए आपका ऑडियंस कितना है वो आपको दिख जाता है, 28 लाख 2.8 से 14K और अराउंड 9 to 50 क्लिक्स आने के आपके चांसेस हैं। सो गाइज यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ये क्लिक करने के बाद में आपको इस तरीके का ऐड जगह पे दिखेगा और बाकी सारे ऑप्शंस को अनचेक कर देना है, ये ऑप्टिमाइज करना है आपको। और ये सब कुछ होने के बाद में देखिए अभी क्या होता है कि यहाँ पर हमने जैसे वहाँ पे चूज़ किया था सारे मोबाइल डिवाइसेस पे, तो ये सब कुछ मोबाइल डिवाइस यही सेलेक्ट करना है, ओनली व्हेन कनेक्टेड टू वाईफाई, ये चॉइस आपकी हो सकती है। मान लीजिए कि कभी कभी यूज़र्स होते हैं वो ऑन द वे या फिर अपने मोबाइल कनेक्शन से ट्राई करते हैं तो वहाँ पे ऐड लोड नहीं हो पाता है, और ऐड अगर लोड नहीं हो पाता है डेफिनेटली वो अगर उसने ऐड पे क्लिक करके आपकी साइट पे नहीं गया तो वो वापस ले बाउंस बैक करेगा। तो अगर आप यहाँ पे कनेक्ट करते हैं वाईफाई के थ्रू तो क्या होता है, उसमें जब भी यूज़र वाईफाई के थ्रू कनेक्टेड होगा तभी उसको ऐड दिखेगी मोबाइल के अंदर, अदरवाइज नहीं दिखेगी। तो जब भी वहाँ पे अगर वो क्लिक करेगा तो डेफिनेटली आपकी साइट को पूरा गो थ्रू करेगा। तो ये भी चाहे तो आप क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो नहीं, मेरे हिसाब से मैं जनरली इसको क्लिक करता रहता हूँ। सो यहाँ पर इस सेलेक्शंस करने के बाद में आपको थोड़ा सा नीचे आना और यहाँ पे आपको बजट चूज़ करना है, एक्जैक्टली आपको कितने रुपए देने हैं। देखिए गाइस यहाँ पे दो चीज़ें होती है, एक होता है डेली बजट और एक होता है लाइफ टाइम बजट। लाइफ टाइम बजट मतलब कि इस कैंपेन को रन करने के लिए आप कितना दे सकते हो। डेली बजट के अंदर मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ऑप्शंस जो चूज़ करता हूँ वो अराउंड 100 रुपीज़, तो अगर मैं 100 रुपीज़ का बजट देता हूँ तो आप देख पा रहे हैं कि मैं USUK से ट्रैफिक लाता हूँ तो उस केस के अंदर अराउंड 28 लाख पीपल तक पहुँच सकता है। आप इसको जितना नैरो डाउन कर सकते हो उतना कीजिए, ये 297 से 1.8 लाख पीपल तक पहुँचने की प्रोबेबिलिटी और लेस देन 10 क्लिक्स आ सकते हैं। देखिए ये क्लिक्स के हिसाब से डिडक्शन होता है, इसका मतलब ये नहीं कि 100 रुपये कटेगा और आपको 10 क्लिक्स ही आएगा, नहीं, ये डिपेंड करता है बेसिकली आप कितना पैसा देते हैं। जितना पिक्सल्स आपका स्ट्रॉन्ग होगा इसलिए आपकी साइट पर पहले पिक्सल्स डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, वो डेटा जितना ट्रेस करेगा तो ये ऑडियंस इतनी ऑप्टिमाइज होती है तो ये चार्जेस आपके कम होते जाते हैं। लोग पूछते हैं कितने पैसों में कितना ट्रैफिक आ सकता है, ये गाइस टोटली डिपेंड करेगा आप किस तरीके से ऑडियंस को नैरो डाउन करते हैं। जितना आप ये ऑडियंस इतनी मत रखिए, आप 2 मिलियंस तक अराउंड 10 लाख और 5 लाख और 10 लाख तक की ऑडियंस ही रखिए, इतना नैरो डाउन कीजिए। आपकी स्पेसिफिक जो प्रोडक्ट आप रिलेटेड है उतना ही ऑप्शन, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया था होस्टिंग एंड ऑल, उस टॉपिक के अंदर सिलेक्शंस कीजिए ताकि आपकी ऑडियंस मिनिमम हो और उसकी रीच उन लोगों तक ही हो जो एग्जैक्टली उस पर क्लिक कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा नीचे आना है, यहाँ पे आपको डेली बजट चूज़ करना है और कंटिन्यूसली जैसे ही आप अगर आप चाहें तो देखिए स्टार्ट और एंड डेट दे सकते हैं आपके कैंपेन की कब से कब स्टार्ट करना है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि कंटिन्यूसली चलता रहे तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं और स्टार्ट हो जाएगा। देखिए इसके हिसाब से ये वीकली बजट आपको दिखाता है, आप 700 रुपये दे सकते हैं और 126 का तो आपको 800 रुपीज़ देना पड़ेगा, आपकी पहुँच यहाँ तक हो सकती है। मान लीजिए कि अगर वो होस्ट कैटर जैसी एफिलिएट मार्केटिंग की आप अगर वो चला रहे और वहाँ से अगर कोई यूज़र क्लिक करके बाय कर लेता है, देखिए ये ट्राफिक है, मतलब डेफिनेटली यहाँ पर क्लिक होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर यूज़र इंटरेस्टेड है अगर वो होस्टिंग परचेस करना चाहता है तो उसके थ्रू आपके होस्टिंग पे क्लिक करके और होस्टिंग पे क्लिक करने के बाद अगर वो उस होस्टिंग से बाय करेगा तो आपको वहाँ से भी $65 जैसा कि ब्लू होस्ट देता है आपको मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं। गाइज ये और भी इसको नैरो डाउन कर सकते हैं, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो क्वाइट बेटर आप इसको और नैरो डाउन कीजिए। यहाँ पे बजट आपके हिसाब से चूज़ कीजिए, दिन का 50 रुपीज़ भी आप चूज़ कर सकते हैं। USUK UAE की ट्रैफिक है इसकी वजह से आपको ज़्यादा चार्जेस लग रहा है, अगर आप इंडिया चूज़ करेंगे या लो CPC वाले कंट्री चूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक्स भी ज़्यादा मिलेंगे और रीच भी ज़्यादा मिलेगा, और बाकी डिपेंड करता है आप टॉपिक कौन सा चूज़ करते हैं। जैसा कि होस्टिंग एक बहुत ही एक्सपेंसिव है, बेसिकली बहुत सारा एड कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है तो उसका CPC बहुत ज़्यादा है, अगर आप इसकी बजाय कुछ और लेते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर आपको ज़्यादा ऑडियंस और ज़्यादा रीच और ज़्यादा क्लिक्स मिलेंगे।
सो आपको थोड़ा सा नीचे करना है। ये ऑप्शन चूज करने के बाद में ऑप्टिमाइजेशन फॉर एड डिलीवरी, यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए ये बेसिकली लिंक क्लिक्स होता है, तो आप चाहते हैं तो लिंक क्लिक्स भी कर सकते हैं और चाहते हैं तो इंप्रेशंस भी कर सकते हैं। बेसिकली लिंक क्लिक्स पे क्लिक करने से क्या होगा कि बेसिकली जितने भी यूज़र आपके उस लिंक पे क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आपका डिडक्शन होगा। और इंप्रेशंस, जैसा कि हमने बताया कि बेसिकली ये यूज़र को डिस्प्ले करेगा और यूज़र को डिस्प्ले करने के बाद हो सकता है कि यूज़र उस पर क्लिक करें। जैसे ही मैं यहाँ पे इंप्रेशंस चूज़ करता हूँ, आप समझ सकते हैं यहाँ पर देखिए ये रीच आपका बदल चुका है और बेसिकली यहाँ पर क्लिक्स का कुछ भी नहीं है, यहाँ पर बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रीच, ये लोगों तक पहुँचाने का एक तरीका है। सो आप यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं लिंक क्लिक्स, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोग हमारे उस साइट पर आएँ। बीड अगर लगाना चाहते हो आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ। मतलब कि बीड में कैसा कि आप मान लेंगे 20 या ऐसा कि मेरी जो ऐड है उसके अंदर अगर आपको 0.1 रुपीस का जो लिंक क्लिक है कि मतलब अगर मैं सिर्फ 0.1 रुपीस देना चाहता हूँ मेरे एक क्लिक के लिए, सो बेसिकली इसके हिसाब से आप यहाँ पे एक बिड लगा सकते हैं। देखिए अगर मैंने 0.1 लगाते ही इसने बोल दिया कि ये पहुँच नहीं पाएगा, क्योंकि यूएस यूके के अंदर 0.1 पे कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप एक रुपये करके देते हैं तो लेट्स सी इसमें भी कोई डेटा नहीं जा पा रहा, तो क्वाइट बेटर आप इस पर बिड रखिए मत। ये बेसिकली गूगल अपने हिसाब से, सॉरी फेसबुक अपने हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करेगा। यहाँ पर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारा ऑप्शंस होने के बाद में, ये सारा सिलेक्शंस होने के बाद में आपको क्लिक करना है कंटिन्यू पे और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ओके सो गाइज, ये बेसिकली ये वो तरीका है जहाँ पर आपको आकर के अभी फाइनली कैंपेन क्रिएट करना और सिंपली कंटिन्यू और इसको सबमिट कर देना है। सो बेसिकली यहाँ पर देखिए बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पे सिंगल इमेज और वीडियो कलेक्शंस और कारोजल्स। तो बेसिकली यहाँ पे आपको चूज़ करना है आपका सिंगल इमेज। यहाँ पर आपका कोई ऑलरेडी फेसबुक पेज है, आप उस फेसबुक पेज को क्लिक कीजिए और थोड़ा सा नैरो डाउन कीजिए और यहाँ पर ऑप्शंस आते हैं कि आपको एग्जैक्टली कैसे कैंपेन क्रिएट करना है। सो ये चीज़ होने के बाद में सबसे पहला काम है यहाँ पर आपको एक इमेज अपलोड करना है, वो इमेज जो आप एड कैंपेन के थ्रू दिखाना चाहते हैं। आप सिंपली अपलोड पे कीजिए या फिर ब्राउज गैलरी पे कीजिए। चलिए मैं बता देता हूँ, ऑलरेडी जो मेरा अपलोडेड है आप वहाँ से भी ला सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी ब्राउज लाइब्रेरी किया है जो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है पुराने वीडियोस, तो मैंने जो कैंपेन चलाया है तो वो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। सो बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, अदरवाइज आप सिंपली जो भी आपके डेस्कटॉप के लोकल लोकेशन से वहाँ से अपलोड कर सकते हैं। सो लेट्स गेट इट लोडेड। तो बेसिकली मान लीजिए मैंने क्लिक किया, इसको कंटिन्यू किया। ओके यहाँ पे कंटिन्यू क्रिएट करने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा इमेज लोड हो चुका है। लेकिन मैं जैसा कि बोलता हूँ, अगर आपको एड पे एक लो CPC में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना, तो आपको क्या करना है, एक टूल यूज़ करना है जो कि है फेसबुक इमेज टेक्स्ट चेकर। बेसिकली ये जो टूल है, आप फेसबुक के अंदर जैसे गूगल करेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपको सबसे पहले इमेज अपलोड करके देखना है और वो चेक करना है कि क्या आपकी इमेज वो ऑप्टिमाइज्ड है या नहीं है। मतलब कि जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ, या फिर मान लीजिए कि इसको मैं क्लिक करता हूँ, या इसको करता हूँ और इसको ओके करता हूँ, ये चेक करना है। अगर इसका स्टेटस ओके आता है तो मतलब कि आपकी एड वो नॉर्मली चलेगी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर आपकी इमेज पे ज़्यादा लेटर्स लिखे हुए रहेंगे, अगर जैसे ट्रिपल लिखा है, स्टेलर लिखा है, इस तरीके से अगर ज़्यादा टेक्स्ट लिखे हुए रहेंगे तो आपकी एड की रीच कम हो जाएगी। देखिए ये मैंने सर्च किया, आपको दिख रहा है जैसे स्टेटस ओके, तो आपकी एड जो नॉर्मली चलेगी मतलब लो CPC में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन इसी के बजाय अगर मैं दूसरा ऑप्शन चूज़ करता हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि ये जहाँ पे बहुत सारा कुछ लिखा हुआ है और देखते हैं कि इसका स्टेटस क्या है। सो बेसिकली जिसका स्टेटस ओके आता है, आप सिर्फ वही इमेज आपके एड कैंपेन के अंदर यूज़ कीजिए। ये बता रहा है मीडियम, मतलब कि आपकी रीच जो आपका टारगेटेड है उससे कम लोगों तक पहुँचेगी। क्यों? क्योंकि फेसबुक इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर पा रहा है। और हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, आप जो कैंपेन चलाते हैं तो उसमें 3-4 इमेज क्रिएट कीजिएगा जो अलग अलग कलर्स की हो। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बैकएंड में कुछ और कलर है, यहाँ पे ब्लैक है, और हमेशा उसकी बाउंड्री रखिए ताकि वो अट्रैक्टिव लगे, लोग उस पर क्लिक करें। ये बेसिक चीज़ है। सबसे पहली चीज़, आप जहाँ हो सके टेक्स्ट कम से कम रखिए। दूसरी चीज़, 3 इमेज एक कैंपेन के लिए क्रिएट कीजिए ताकि फेसबुक चूज़ कर सके कि उसके हिसाब से जो भी कम पैसों में जो अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज हो सकती है वो उस इमेज का सिलेक्शन करके उसको आगे तक फॉरवर्ड कर सकें। सो बेसिकली ये चीज़ करने के बाद में आप वो सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे और अपलोड करना चाहें तो आप ये 2-3 इमेजेस जो भी हैं आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पहले चेक करना है जो भी ऑप्टिमाइज्ड है उसके हिसाब से आप इमेज दीजिए, क्योंकि कलर के हिसाब से आपकी इमेज और ऑप्टिमाइज होती है। अगर आप मल्टीपल 3 एड्स यूज़ करेंगे, 3 टाइप के ऐड यूज़ करेंगे एक ही कैंपेन के लिए, तो ये एडवांटेज होगा फेसबुक के लिए कि फेसबुक इसमें से कोई से भी ऐड को चूज़ कर सकता है जिसमें कम से कम पैसों तक पहुंचा जा सके। सो गाइस, क्योंकि पिक्सल्स का खेल होता है तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। अभी आपकी ऐड यहाँ पे आपको दिख रही है, वो इस तरीके से यूज़र को दिखेगी। अभी यहाँ पे क्या करना है, आपको चूज़ करना है वेबसाइट। ओके इसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे जो आप टेक्स्ट देते हैं वो यहाँ पे ऊपर टॉप की तरफ यहाँ पे टाइप होगा। जैसे कि मैं देखता हूँ कि
ओके। तो ये मैंने जो लिखा है वो आप चाहें तो एक और दो लाइन यहाँ पे दे सकते हैं और ये यहाँ पे डिस्प्ले होगी। इसके बाद आपकी साइट जो भी ये जो जिस क्योंकि जो भी यूज़र इस पर क्लिक करके आपके साइट पे आएगा तो आप यहाँ पे वो URL दे सकते हैं, जैसा कि ये मैंने मेरे वेबसाइट का दिया। सो बेसिकली ये जो URL है वो एज इट इज़ वहाँ पर डिस्प्ले होगा जहाँ से यूज़र क्लिक करके आगे की तरफ मूव हो सकता है। सो ये हो गया आपकी साइट का URL। तो ये URL आपको यहाँ पे जैसे कि ये कनेक्टेड है इसके साथ में, और मैंने इसको थोड़ा सा स्लो डाउन किया। यहाँ पर अगर आप चाहें तो ये हेडलाइंस आप दे सकते हैं, ओके। ये मैंने जैसे दिया ये यहाँ पे आपको दिखेगा लर्न ऑल अबाउट वर्सेस रिपल एंड ऑल, ठीक है। देखिए कॉल एक्शंस हमेशा अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक चीज़ आप देख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लर्न मोर पे क्लिक किया है तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे लर्न मोर का ऑप्शंस है। तो आप चाहे तो यहाँ पे कॉल का एक्शन दे सकते हैं, और लेकिन मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप इस एक्शंस को मत दीजिए, क्योंकि एक्शंस को देने से क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो फुल लाइन आनी चाहिए वो लाइन नहीं आएगी, और जब वो लाइन नहीं आएगी एक बार देख लेते हैं यहाँ पे कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। प्लीज़ कंप्लीट फुल कंटिन्यू, ओके चलो देखते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर एक बार मैं देख लेता हूँ मेरी वेबसाइट पे, और वहाँ से हम वो URL को इनपुट लेंगे और वो URL को हम प्रोवाइड करेंगे वहाँ पर जहाँ पर हम कैंपेन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे अभी कुछ तो एरर आ रहा है, इसकी वजह समझ में नहीं आ रही है। प्रीव्यू URL, दिस लिंक फील्ड इज रिक्वायर्ड, प्लीज़ कम्प्लीट द फील्ड, ओके। तो इसको हटा देते हैं और ये पूरा का पूरा प्रोवाइड कर देते हैं यहाँ पर, ओके। सो बेसिकली अभी ये URL आ चुका है, और ये URL आने से आप देख पा रहे हैं कि बेसिकली यहाँ पे अभी ऑथराइज्ड हो चुका है, ये आपके टाइटल में आ चुका है, ये आपके हेडलाइन बन चुका है। और यहाँ पर कॉल एक्शंस में आप चाहें तो देखिए यहाँ पे लर्न मोड दिखने से क्या होता है कि बेसिकली यहाँ पे जो आप टाइप करते हैं वो यूज़र को पूरा दिखता नहीं, तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है नो बटन, नो बटन देखने से आप देख पाएंगे ये पूरा का पूरा यूज़र को व्यू होगा वहाँ से। आप देख पा रहे हैं जो भी आप यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन देंगे वो डिस्क्रिप्शन दिखेगा, साथ ही साथ जो भी यहाँ पे आप लिखने वाले हैं ये टेक्स्ट होंगे वो टेक्स्ट भी यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे। ये लर्न ऑल अबाउट स्टेलर वर्सेस रिपल, ये बेसिकली यहाँ पे पूरा का पूरा लेंथ में डिस्प्ले होगा। सो ये सब कुछ करने के बाद नो बटन ही चूज़ करें ताकि वो फुल लेंथ के अंदर दिखे। देखिए अभी आपका एड यूज़र को इस तरीके से दिखेगा, अगर इसको आप चाहें तो दो तीन इमेजेस जैसे ही आपने वहाँ पे अपलोड की है तो उसके हिसाब से यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। इसको आपको सिंपली कन्फर्म करना है और आपका एड क्रिएट हो चुका है, और यही एड यूज़र को दिखने वाला है। अगर आप चाहें तो यहाँ से प्रीव्यू भी कर सकते हैं, आप देख पा रहे हैं रिफ्रेश प्रीव्यू। तो किस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पे एड कैंपेन क्रिएट हो चुका है, और यह जो एड कैंपेन है वो आपके अप्रूवल के लिए जाएगा। तो बेसिकली उसके लिए आपको कुछ पे करना होगा जो कि अमाउंट ऑलरेडी डिसाइडेड था, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया इन रिव्यू के अंदर चला गया मेरा एड कैंपेन, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास बजट पड़ा हुआ था इसकी वजह से इन रिव्यू के अंदर चला गया। सो यहाँ पे मैं इसको क्लिक करता हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बेसिकली किस तरीके से आपका एड कैंपेन दिखेगा। ये सारे ऑप्शंस के अंदर जो भी हमने ऑप्शंस जो देख पा रहे हैं, हमने दो इमेजेस पे एड कैंपेन चलाए, ये डिफ़ॉल्ट इमेज वन है जहाँ पर ये इस तरीके से दिखेगा जो कि मोबाइल फीड के अंदर दिखेगा यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, और ये सेकंड इमेज है कि अगर कोई दूसरा चाहे तो ये इस तरीके से, मतलब फेसबुक इसमें से किसी को भी पुल कर सकता है अपने ऑप्टिमाइजेशन के लिए। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक इमेज ये है और एक इमेज ये, इस तरीके से आपका एड कैंपेन क्रिएट होगा और ये रिव्यू के लिए जाएगा, और रिव्यू के लिए जाने के बाद जैसे ही आप इसको अप्रूव करते हैं उसका बजट जिस तरीके से हो जाए, जैसे कि अभी ऑलरेडी मेरे पास अकाउंट में बजट था तो इसने ऑटोमेटिकली इसको इन रिव्यू में डाल दिया, मतलब कि फेसबुक के पास गया है और फेसबुक इस पर रिव्यू करेगा मैंने जो एड कैंपेन क्रिएट किया है, अगर वो सही है तो वो इसको अप्रूव कर देगा और आपकी साइट पर वो एड कैंपेन क्रिएट हो जाएगा। तो गाइस यही था एड कैंपेन क्रिएट करने का प्रोसेस, कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अगर आप प्रोसेस सेल्फ स्टडी करेंगे या फिर सेल्फ करेंगे तो आपको आइडिया लगेगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।